मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस अपने आखिरी दौर में चल रहा है। शो में आए दिन नए नए ट्विस्ट आते रहते हैं और कंटेस्टेंट के बीच मज़ेदार टास्क भी होते रहते हैं। बिग बॉस के सीजन में कई नई जोड़ियां बनी हैं और कुछ रिश्ते ऐसे भी रहे जो टूट गए। विशाल को पैन मारने की बात पर जहां मधुरिमा को शो से बाहर जाना पड़ा, वहीं दूसरी ओर एक जोड़ी ऐसी भी है जो सबकी पसंद बनी हुई है। वो जोड़ी है सिडनाज की। दोनों कभी एक दूसरे को प्यार करते हैं और कभी एक दूसरे से बुरी तरह लड़ते हुए नजर आते हैं। अपनी बातों से सना कई बार सिड के लिए अपने प्यार को जाहिर कर चुकी है। अपने फिल्म लव आजकल के प्रमोशन के लिए सारा खान और कार्तिक आर्यन बिग बॉस के सेट पर पहुंचे थे। जब बात घर में चल रहे लव आजकल की निकली, तब सलमान ने सभी से पूछा कि कौन किसे शो के बाद नहीं देखना चाहता है। इस पर शहनाज ने कहा कि वो पारस छाबड़ा को शो के बाद नहीं देखना चाहती हैं। शेफाली ने असीम का नाम लिया, वो उन्हें शो के बाद नहीं मिलना चाहती। इसके बाद जब बारी सिद्धार्थ की आई तो सभी इसी सोच में थे कि सिद्धार्थ किसका नाम लेने वाले हैं। लेकिन जैसे ही सलमान ने सिद्धार्थ से ये सवाल किया, सिद्धार्थ ने तपाक से शहनाज का नाम लेते हुए कह दिया कि वो शहनाज से नहीं मिलना चाहते हैं। शहनाज से नहीं मिलने की वजह पर सिद्धार्थ ने कहा कि शहनाज फ्लिप कर जाती हैं। हाल ही में गौतम के आने पर शहनाज उन्हें किस कर रही थी और अभी कार्तिक के साथ भी शहनाज ने यही किया। तो अगर बाहर जाकर भी ये ऐसा करेगी तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं घर के बाहर जाकर शहनाज से नहीं मिलना चाहता हूँ। शहनाज को सिद्धार्थ से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। शहनाज ने सोचा नहीं था कि इस सवाल पर सिद्धार्थ उनका नाम लेंगे, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने शहनाज का नाम लिया, शहनाज की आंखों से आंसू टपकने लगे। अब सिद्धार्थ के इस जवाब के बाद सना कैसा रिएक्शन देती है ये तो बाद में ही पता पड़ेगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.